Hey friends, welcome back again on my YouTube channel Mahavir Narvekar. दोस्तों हाल ही में मैंने मेरे चैनल पर कोई भी बड़ा वीडियो नहीं किया था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बेसिकली Q&A करने वाला हो। आपके गोवा के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मैं आज इस वीडियो में वो ही सॉल्व करने वाला हूँ। जब भी मैं गोवा के बाहर ट्रेवल करता हूँ तो लोग मुझे बहुत सारे गोवा के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, सो आज मैं वही आंसर करने वाला हूँ। तो दोस्तों इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन प्लीज गो अहेड एंड क्लिक सब्सक्राइब बटन डाउन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। दोस्तों बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। गोवा में होटल्स का प्राइस क्या होता है फॉर सिंगल्स एंड इवन फॉर कपल्स? गोवा में होटल के प्राइसेस हाई होते हैं ड्यूरिंग सीजन टाइम। गोवा में शुरू होता है फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर टिल दोस्तों आप बोल सकते हैं मार्च अप्रैल इवन मई तक, और दोस्तों इस दौरान होटल के प्राइसेस बहुत हाई होते हैं। तो नॉर्मली अगर आप बीच के पास अगर अब रूम बुक कर रहे हो तो बहुत आपको हायर रेट में पड़ेगा। सो आप बोल सकते हैं 2500 से लेकर आपको इवन 5000 के रेंज में आपको नॉर्मल सादा वाला रूम भी मिल सकता है। बट अगर आप थोड़ा सा आउटस्कर्ट में देख रहे हैं तो दोस्तों आपको बहुत चीप पड़ेगा, इवन आपको दोस्तों 1000 या इवन 2000 के बीच में आपको रूम मिल जाएगा। बट इफ यू आर कमिंग इन ऑफ सीजन तो दोस्तों आपको बहुत सस्ता रूम्स मिल जाएगा। जो आप नॉर्मली सीजन के टाइम पर जो आपको 5000 में रूम मिलता है वो रूम आपको ऑफ सीजन में दोस्तों इवन 2000 इवन 3000 पे भी मिल जाएगा। अभी दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सो दूसरा क्वेश्चन ये है कि नॉर्थ गोवा बेहतर है या साउथ गोवा? दोस्तों इसका आंसर है कि अगर आपको हैपनिंग प्लेस चाहिए जहां पर बहुत लाउड म्यूजिक है और इवन जहां पर पब्स वगैरह है तो आपको दोस्तों चेकआउट करना है नॉर्थ गोवा। एंड इफ यू आर काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको बहुत शांतता पसंद है दोस्तों यू शुड चेकआउट साउथ गोवा। साउथ गोवा में दोस्तों बहुत काम और रिलैक्सिंग एनवायरमेंट है, और जैसे कि आप अगर नॉर्थ गोवा में देखोगे तो बहुत सारे क्लब्स वगैरह है जहां पर लाउड म्यूजिक चलती है एंड इवन पार्टीज वगैरह होती है। बट साउथ गोवा बहुत ऑपोजिट है, साउथ गोवा में दोस्तों आपको इतना कुछ देखने को नहीं मिलता। बट आई टेल यू गाइज साउथ गोवा बहुत ब्यूटीफुल है इफ अगर आप नॉर्थ गोवा से कंपेयर करते हो तो, बिकॉज साउथ गोवा की ग्रीनरी बहुत ब्यूटीफुल है और साउथ गोवा में दोस्तों आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल बीचेस भी देखने को मिलते हैं जहां पर ज्यादा आपको क्राउड भी नहीं मिलता है। बट इफ यू आर लुकिंग टू डू पार्टी हार्ड देन दोस्तों यू शुड चेक आउट नॉर्थ गोवा। गोवा में दोस्तों आप चेकआउट कर सकते हो कालांगुट बीच, बागा बीच, इन बीचेस पे बहुत सारा दोस्तों पार्टीज वगैरह इनके साइड में होते रहते हैं जहां पर ये क्लब्स वगैरह है एंड ये बीचेस बहुत क्राउडेड भी रहते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में ये दो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेरीज जो आपकी रहती है मैंने सॉल्व कर दी है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इवन वो बेल आइकन भी दबाना ना भूले। और हाँ दोस्तों अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब वो जरूर कीजिए, बट दोस्तों इवन इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए। एंड इवन यू कैन चेक आउट माई अदर वीडियोज on my channel, you are going to get amazing content on Goa. So go and check it out.